हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में, और ये होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जहाँ पे हम पहली बार कोई से डे के बारे में बात करने वाले हैं। एंड गाइस, उससे पहले देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थॉट जो मैंने खुद से बनाया है। कीप एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल लाइक द कलर्स एंड प्रिजर्व इट, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। तो आज हम बात करेंगे इस एनवायरनमेंट डे के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन डज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? दो 5th June, guys, 5th June answer है। Second is, when was it first celebrated? तो इसका answer है in the year 1974, जी guys। And this too is the most important question, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे answer है। तो सबको happy world environment day। And उससे पहले हम एक और question देख लेते हैं कि why does it celebrated? क्यों ये celebrate किया जाता है? तो आप देख सकते हो screen पर why does world environment day celebrated? तो इसका answer है world environment day is celebrated annually on 5th June and is the United Nations principal vehicle for encouraging awareness and action for the protection of the environment। ठीक है, तो ये एक्चुअली में बहुत सांस है जो हम पढ़े कि 5th June में सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था। उसका ये प्रिंसिपल है कि हम एनकरेज करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे एंड प्रोटेक्शन जाएंगे एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए ये किया जाता है। ओके गाइज, अब हम आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा हम बात करने वाले हैं अबाउट दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सो लेट्स गो। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है 5th June को ऑल एनुअली, एंड दिस वॉज स्टार्टेड बाई द यूनाइटेड नेशन। उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था कि हमें कुछ ऐसा डे सेलिब्रेट करना चाहिए जिससे पीपल सराउंडिंग को थोड़ा केयर हो टूवर्ड्स दिस एनवायरमेंट द नेचर। एज वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ एनवायरमेंट द नेचर फॉर अस, उसकी इम्पॉर्टेंस हम ज़्यादा वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि द लीव्स द प्लांट्स दे आर द वन विच मेक्स अस सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। और अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट डे ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते, सो इट कैन बी सेड दैट वी आर नॉट गिविंग द इम्पॉर्टेंस टू दोज प्लांट्स। ऐसा भी कुछ दिन होना चाहिए, ऐसा कोई डे होना चाहिए जिस दिन हम सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट नेचर उनसे रिलेटेड कुछ डिस्कस करें, उनसे रिलेटेड प्लांट्स बनाएं। एंड ऑल्सो द मोस्ट थिंग, उस दिन में हमें कम से कम एक दो या प्लांट तो ऑब्वियसली ग्रो करना चाहिए, क्योंकि दी प्लांट्स आर दी वन थिंग्स विच प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन, एंड वी नो ओनली दैट ऑक्सीजन इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट टू अस। दैट्स वाई आई यूज टू टेल दैट दिस अर्थ इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी, सो ग्रीनरी को बचा के रखना, एंड ऑल्सो सब कंटिन्यूसली जो भी पॉल्यूशन या फिर डिस्ट्रक्शन कोज हो रहा है टू दी वाटर्स, रिवर्स, एयर को, तो उन सबको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकता है, एंड दैट इज़ दी प्लांट्स। क्योंकि वी नो, आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताना होगा कि क्यों है प्लांट्स कैसे बचा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि सबको अभी पता होगा कि हाउ दिस प्लांट्स आर सेविंग अवर अर्थ, नॉट ओनली द अर्थ बट एवरी ह्यूमन बींग्स। एंड द यूनाइटेड नेशन मस्ट हैव, मुझे तो नहीं पता बट मस्ट हैव थॉट दैट देर शुड बी एन एनवायरमेंट डे थ्रू विच दोज पीपल हु आर कंटिन्यूसली कटिंग डाउन द ट्रीज, दे गेट फीलिंग ऑफ ग्रोइंग द ट्रीज एंड दे स्टार्ट टू केयर फॉर दिस प्लांट्स। एंड ऑल्सो वे नो ओनली कि प्लांट्स आर ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो भले ही वो चलते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, बट एक तरह से उनके बिना हम नहीं रह सकते, राइट? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्लांट्स, एज द प्लांट्स को भी ऐसा लग रहा होगा कि हमारे लिए हमारी इम्पोर्टेंस दिखाई है बाई मेकिंग दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एंड 5th June इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर द प्लांट्स, ऑल्सो फॉर अस, क्योंकि हम एक ना एक दो प्लांट्स ऐसा ग्रो करते हैं हर जगह पे भी। एंड आई होप कि आप सबको भी उसके केयर रिलेटेड समझ में आएगा, एंड दोज हु आर रियली फीलिंग दैट वी शुड सेलिब्रेट दिस डे ऑल्सो एज एवरी फेस्टिवल, क्योंकि सिर्फ फेस्टिवल हम लोग याद रखते हैं बट मोस्ट ऑफ दी आई थिंक अभी स्टार्टिंग में जो लोग आए होंगे उनको नहीं पता होगा कि आज हमारा 5th June है, मीन्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।
तो आई थिंक हमें इसको और स्प्रेड करना चाहिए, ऐसे ऐसे वीडियोस को वायरल करना चाहिए, कंसर्न पीपल में आ जाए कि हाँ, जैसे कि हम लोग अपने फैमिली का केयर करते हैं, वैसे ही प्लांट्स का भी केयर करना चाहिए, सो दैट दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसलिए एंड इसलिए मैंने आज सोचा कि कुछ ऐसे एनिमेटेड स्टाइल में, कुछ कंसर्नड वे में, मेरा कंसर्न से रिलेटेड ऐसा कुछ वीडियो में बनाऊं, ताकि आप लोग भी सोच सको कि हाँ, एवरी सिटीजन ऑफ नॉट ओनली द कंट्री, नॉट ओनली द ईच कंट्री, बट होल द वर्ल्ड, होल ऑफ द वर्ल्ड, हर सिटीजन को ऐसा लगे कि यार, देयर इज सम काइंड ऑफ रोल ऑफ दिस प्लांट्स इन एवरी पीपल लाइफ. सो आई थिंक आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आएगा, कुछ ऐसे पढ़ाने लायक नहीं था, बट या एक चीज़ बाकी है, आई वॉज स्टार्टिंग टू टेल, मैं फॉरगेट कर गई, क्योंकि मैं एकदम कंसर्न रिलेटेड टू वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जैसे बोलने लगी थी. बट नो वरीज, अभी हम चलते हैं, लेट्स सी दी एसी ऑन दिस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. नॉट अ एसी बट अ काइंड ऑफ स्पीच और अ काइंड ऑफ एसी ऑल्सो of two or three words if the people ask you to see. So let's see that. So guys, here is the speech as you can see on the screen. तो ये काफ़ी बड़ा तो speech नहीं है, it is like a shortest speech and also you can say this is like essay. तो ये मैंने वहीं से, actually मैंने भी इसको Google से ही सर्च करके लिया है, but you can say कि इसमें सारी चीज़ें हैं जो एक speech हो, या फिर अगर आप कंपटीशन रिलेटेड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एक्चुअली में हेल्पफुल रहेगा. सो आई, यू कैन गो ऑन एट एनी स्पीच जो भी अवेलेबल हो इन द गूगल और एनी वेब पेजेस, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड. सो लेट्स जस्ट क्विकली रीड इट आउट एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताया था. एंड ऑल्सो अभी मेरे, आई थिंक ये वीडियो हो जाएगी 7 to 8 minutes लॉन्ग, तो आई थिंक आपके 7-8 minutes अगर आप इसको वीडियो को वॉच करने में लगा रहे हो तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग वेस्ट एट ऑल. सो प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच एट द एंड. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन June 5 ग्लोबली. येस, इट इज़ अ डे ऑन विच वी स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट एंड द नीड टू कंजर्व इट. एंड ऑल्सो गाइज, जस्ट टेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को. एंड ऑल्सो आई एम टेलिंग यू दैट हाउ कैन यू गिव द स्पीच इन विच काइंड ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि इंग्लिश में ही, बट कैसे आपको इधर स्पीच बोलना चाहिए. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस अगेन फ्रॉम द बिगनिंग एंड यू शुड मस्ट सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज से माई सेल्फ, यानी कि आपके बारे में पहले कुछ बताया करो, एंड देन यू कैन स्टार्ट द स्पीच इन दिस वे. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन June 5 ग्लोबली. It is a day on which we spread awareness about the environment and the need to conserve it. Moreover, it is essential to advocate for a greener environment and conservation of nature. It is quite simple, as when we conserve the environment today, the future generation will be able to lead a healthier life. We cannot be so selfish and use up all the resources for ourselves, right? World Environment Day is the perfect opportunity to make people aware of the issues we are facing and how one can contribute to saving it. Thus, it is quite important in its own way. World Environment Day reminds us to strengthen the world and ensure that nature is preserved at all cost. It throws light on the causes which are causing serious harm to our environment. For instance, industries and factories are contributing largely to pollution, as I said in the earlier video. They are deteriorating the quality of air that we breathe and the water we consume. Thus, this day serves as an eye-opener for many citizens who are not aware of all this. In other words, it spread awareness amongst common people which the environment is facing right now. Moreover, it also encourages the public from different societies and communities to take active participation in celebrating the day. Further, it also urges them to become active agents in developing environmental safety methods. Not just that, it also encourages everyone to keep their nearby surroundings safe and clean, so that everyone can have a cleaner, greener, and more prosperous
future. That's for this video, and I think ये बहुत ही helpful रहा होगा for those people also and for everyone वन की थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आखिर क्यों होता है. एक्चुअली सबको पता होता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है, क्या होता है, बट द थिंग बिहाइंड इज द इम्पोर्टेंस जिनको नहीं पता होता है. एंड आई एम 50% श्योर कि जो लोग ये वीडियो स्टार्टिंग में देखे होंगे वो सरप्राइज हो गए होंगे, एज सरप्राइज दैट आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, हमें तो पता ही नहीं था इन दैट वे. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.